Okay, good morning class 5th students, subject English. This is lecture number 14 and today is May 28th, 2021. Okay, today hum start karne ja rahe hain exercise C and exercise D part. So students, turn to page number 36 and do follow this video attentively. Okay, exercise C part. Complete the flow chart to show the order of events in the story, the word from the box. Use the word from the box. Okay. आप लोगों को बॉक्स में दिए गए सही वर्ड्स को नीचे दिए गए फ्लो चार्ट के सही बॉक्स में लिखने हैं. ओके. सबसे पहले बॉक्स में आएंगे नंबर वन, द मैन डिड अ मैथ्स मैथ सम मेंटली. मतलब सबसे पहले उसने फटाफट एक पल में ही एक मैथ सम किया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, मेड अ मेक अ चॉकलेट अपियर. एक चॉकलेट प्रकट हुआ, मतलब जादू से निकला, ठीक है. फिर उसके बाद नंबर थ्री, मेड अ टॉय कार अपियर. फिर उसके बाद खिलौने वाली गाड़ी अचानक से प्रकट किया उसने, ठीक है. फिर नंबर फोर, स्ट्रेच्ड हिज आर्म. उसने उसके बाद उसने है ना, ओके नंबर थ्री, उसके बाद उसने खिलौने वाली गाड़ी प्रकट किया. फिर उसके बाद नंबर फोर में आते हैं, अपने बाजू यानी हाथ को लंबा किया. ओके, फिर नंबर फाइव, मेड द टॉय कार मूव. उसने खिलौने वाली गाड़ी को मूव किया यानी चलाया. फिर लास्ट वाला नंबर सिक्स, द मिस्ट्री मैन वैनिश्ड. वो अजनबी आदमी गायब हो गए हैं, ठीक है. आप वीडियो में देख सकते हो, उसी तरह से आपको भी बुक में ही ये आपको करना है, ठीक है. ओके, नाउ गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. वर्कशीट एक्सरसाइज डी, टिक द करेक्ट आंसर्स. आपको तीन ऑप्शन में से सही ऑप्शन के सामने आपको टिक लगाने हैं. अर्ली वन मॉर्निंग ऋषि वॉज वेटिंग फॉर हिज स्कूल बस एट द बस स्टॉप. एक सुबह ऋषि बस स्टॉप पे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट, ठीक है. नंबर टू, वी फर्स्ट रियलाइज दैट द स्ट्रेंजर हैड अनयूजुअल पावर्स व्हेन ही. सही ऑप्शन है बी पार्ट, डिड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथ सम इन अ मोमेंट. सबसे पहले बार हमें ये पता चला कि उस अजनबी के पास कुछ अलग सा पावर थे, जब उसने एक बहुत मुश्किल सम एक ही पल में सॉल्व कर दिया. नंबर थ्री, द स्ट्रेंजर गॉट अपसेट बिकॉज ऋषि, यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, थॉट ही वॉज परफॉर्मिंग ट्रिक्स. वो अजनबी दुखी था क्योंकि ऋषि को ये लगा कि वो अपने हाथ की सफाई यानी ट्रिक दिखा रहा था. नंबर फोर, व्हेन द कार स्लिप्ड फ्रॉम ऋषि's हैंड एंड फेल एट हिज फीट द स्ट्रेंजर. यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड हिज राइट हैंड एंड पिक्ड इट अप. जब गाड़ी ऋषि के हाथ से गिरा और उसके पैर के पास गिरा, तो उस अजनबी ने अपना राइट हैंड को लंबा किया और उसे उठाया. ओके, लास्ट वाला नंबर फाइव, वी नो दैट द मीटिंग विद द स्ट्रेंजर रियली हैपेंड बिकॉज. सो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पार्ट, ऋषि स्टिल हैड द टॉय कार इन हिज बैग. हमें ये पता हुआ कि ऋषि असल में उस अजनबी के साथ मिला क्योंकि ऋषि के बैग में अभी तक वो खिलौने वाली गाड़ी मौजूद था, ठीक है. सो
सो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो फॉर होमवर्क डू एक्सरसाइज डी पार्ट ऑन योर फेयर कॉपी एंड एक्सरसाइज सी पार्ट ऑन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। सो टिल देन गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ एट होम।